तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम टैबलू डेस्कटॉप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और बात कर रहे हैं फंक्शंस की। तो हम फंक्शंस में आपके साथ डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में नंबर फंक्शंस, अब स्ट्रिंग फंक्शन, एक और फंक्शन में आई थिंक सो एक्सप्लेन कर चुका हूं सर। जी हां, ये तो कर चुके हो, रिप्लेस राइट हुआ है, अप्लाई कर चुका हूं राइट, अप्लाई कर। जी जी जी, तो सबसे पहले आपका दो फॉर्मूले है ACI एंड CHR, ठीक है, मतलब कि बताया किसी भी अल्फाबेट का कोड देता है और कोड से अल्फाबेट, इसका बेनिफिट क्या है। तो इस चीज को जानिए, जैसे कि एक्सेल की हम बात करें या बात करें हम एक्सेल की बात करें, तो जो हम लोग डेटा में जो लॉजिक लगाते हैं वो लॉजिक आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो क्या जैसे कि एक्सेल में हम आपको लेते हैं ऑप्शन, जैसे मैंने ले लिया 20 यहां पे से राम जी, ठीक है। अब यहां पे हम जाते हैं और यहां पे हम इक्वल टू हमने बोल दिया यहाँ पे दिख रहा है ट्रू एंड फॉल्स आ रहा है जी। अब इसमें प्रॉब्लम है कि अगर हम इसको एडिट करते हैं और हम पूजा का पी छोटा कर देते हैं क्या फिर भी ये ट्रू आएगा? जी हाँ ट्रू आएगा। इससे साबित होता है कि केस सेंसिटिव लॉजिकल जो होता है, लॉजिक ऑपरेशंस केस नहीं होता है। okay. समझ गए जी। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में गया और यहाँ पे मैं एडिट करता हूँ, मैं यहाँ पे लेफ्ट फॉर्मूला आपके स्टैक्स का लेफ्ट है, मैं सबका फर्स्ट लेटर अलग कर लेता हूँ। ओके okay. हमने नेम से अलग कर लिया, इसे इसमें इक्वल ले लेना। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसका मैच करना है कि किसका पी है। मान लीजिए कि एक पासवर्ड टाइप का है या कीवर्ड टाइप का है, तो हमें इसमें केस सेंसिटिव रखना है। ओके, समझ गए? तो हमने यहाँ पे किया कि यहाँ पे मैं अगर मैं मान लीजिए कि मैं कैप्स में पी लिखता हूं, तो अगर आप इसकी कोड देखें तो इसका कोड एटी है। ठीक है, ला लेंगे तो 120। ओके, तो हमें कैप्स में होना चाहिए, हम ये जानना चाहते हैं कैप्स में होना चाहिए। तो हम इसी में एडिट करते हैं और हम क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं हम ACI। ठीक है, ठीक है, हम देते हैं इक्वल टू एटी। लेफ्ट हटा दिया, इक्वल टू ट्रू। अगर ये स्मॉल में होता
क्या हो जाता? False. तो अगर आपको केस सेंसिटिव रखना है, इसका इसका यूज इस तरह और भी होता है, लेकिन मैं तरीका बताया कि किस तरह से इसका हम बेनिफिट लेते हैं, ठीक है सर। और एस सी आई सी एच आई ऐसे ही होता है। अब बात कंटेन, कंटेन में हमें पता करना है कि कोई पर्टिकुलर वर्ड इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। जैसे कि मैं दूसरा फाइल लेता हूँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ, दूसरी फाइल लेता हूँ, मैं इसको यहां से डेटाबेस बनाता हूँ, डेटाबेस एक्सेल, इसको ही आ गया। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, नंबर्स भी है, वर्ड्स भी है। तो मुझे इसमें क्या है कि इसमें फ्लोरिडा, हवाई आपको दिख रहा है, कैलिफोर्निया, जी ये डेटा सही नहीं है, डेटा सही नहीं है। एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा हूँ, उस एग्जाम्पल के लिए परफेक्ट नहीं है। ठीक है, ते मेरे पास कुछ कंपनी का डेटा है, ठीक है आपको। तो मुझे इसमें से देखना है कि हमारी कौन सी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, ओके। इसमें प्राइवेट लिमिटेड भी है और बहुत सारी आप देखेंगे बहुत सारी कंपनी ऐसी, इंडिया लिमिटेड भी है, ठीक है। तो मुझे बस चेक करना है कि प्राइवेट लिमिटेड कहाँ कहाँ है, प्राइवेट लिमिटेड है या नहीं, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड है कि नहीं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसके अंदर में प्राइवेट डाला हुआ या है या नहीं है। जी कंटेन में जा, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे आते हैं और जी कैलकुलेट करते हैं फील्ड, यहां पे पीबीसी Thank you.
और यहां पे हम फॉर्मूला में कंटेंट कौन सा, तो हमने बोला कंपनी नेम क्या होना चाहिए, तो हमने इसमें इन्वर्ट डाला पी आर आई टी ए टी ई और हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, ठीक है, और इसको अप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखिए ट्रू आ गया। अब एक चीज और देखना है, जैसे कि एक्शन में फाइंड होता है, तो फाइंड क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, तो क्या ए भी केस सेंसिटिव है या नहीं है। ओके, तो मैं इस प्राइवेट को स्मॉल में लिखता हूँ, पी आर वाई वी ए टी ई प्राइवेट, अप्लाई करता हूँ, ट्रू है, मतलब कि केस सेंसिटिव नहीं, नहीं डन। तो कंटेन फॉर्मूला का यूज इसलिए नहीं होता। अब बात होती है ये यहाँ पे कंटेन में एंड नहीं, मैं चाहता हूं कि क्या कंटेंट भी चाहिए, एंड भी चाहिए, कि क्या एक आपका फॉर्मूला में टी भी लगा हुआ है लास्ट, तो यहाँ पे हम एंड विद फॉर्मूला लगाएंगे, एंड विद फॉर्मूला, और बोलेंगे कंपनी नेम, और इसमें हम बोलेंगे क्या अप्लाई, अब फॉल्स फॉल्स फॉल्स, क्यों ये फॉल्स क्यों आया, क्योंकि इसमें डॉट लगा हुआ है। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि क्या लास्ट में डॉट है या नहीं है, क्योंकि देखिए बोथ में डॉट लगा है, बोथ में डॉट नहीं लगा है। जी, इसमें डॉट लगा होगा नहीं हो, ये जीरो कर दिया आपने, जीरो कर दिया, डॉट करना था, इसमें डॉट लगा है और ट्रू है। ठीक है, एंड विद लास्ट के चेक करने के लिए यूज हम करते हैं। अब इसमें बात करते हैं फाइंड, समझे, अब फाइंड का यूज हम क्यों करते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जी, मैं इसको एक बार यहां से कैंसिल कर देता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा सीआईएन नंबर है, हमारा कंपनी नेम है, हमारा कंपनी स्टेटस है, कंपनी क्लास है, और कंपनी है यहाँ पे इसका डेट ऑफ रजिस्टर्ड है जी, और यहाँ पे अमाउंट वगैरह डाला हुआ, इसमें इसका एड्रेस आईडी भी डाला हुआ जी। तो एड्रेस में मैं देख रहा हूँ, अगर एड्रेस को मैं बड़ा करता हूँ, तो लास्ट में हमारा आईएन और पिन नंबर डाला हुआ है, आईएन पिन नंबर डाला हुआ है सर जी। तो अब इसमें मुझे इसमें से इसमें से देख ब्लॉक है यहाँ पे B-413 है, तो क्या है कि हमें हाउस नंबर्स को अलग करना है, मान लीजिए, या फिर पिन नंबर अलग करना है, वो तो लेफ्ट लग जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मैं चाहता हूँ कि आई एन के बाद इसको अलग, पिन नंबर है इसलिए चलो 6 डिजिट का होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि पिन नंबर क्या है जी। मैं यहाँ पे फाइंड का फॉर्मूला लगाऊ, फाइंड फॉर्मूला क्या करेगा, ये कौन सा इसका हेडिंग क्या है, एड्रेस का रजिस्टर्ड एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, इसमें से मैं बोला कि आई एन को ढूंढ, अगर इसको अप्लाई करता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पिन आ गया 45 दुनिया, तो 45 क्या है, आई एन की करेक्टर है, करेक्टर्स, हाँ ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं आई एन में स्मॉल में आई एन कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ। एक्सेल में क्या है ना कि फाइंड केस सेंसिटिव, मैंने बोल दिया, लगा कर बता दिया कि केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या कि मुझे राइट से चाहिए, तो मैंने यहाँ पे राइट का फॉर्मा लगाया, राइट और किसमें से, तो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस में क्या चाहिए, इसमें एक फॉर्मूला होगा हमारा लेन का,
एल ई एन लेन, लेन ने बोला लेन के क्या लेंथ क्या होगी, तो हमने बोला रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ठीक से माइनस कर दो फाइन। एरर दिखा रहा है, राइट फॉर्मूला है, ये क्या करता है कि इस इसमें से अब मुझे स्ट्रिंग नंबर पता नहीं है, तो हमने लेन का फॉर्मूला लगाया, ओके लेन में दो ब्रैकेट डल गया है, एक ब्रैकेट इसलिए कि लेन माइनस हमने यहां पे फाइंड देना होगा, आई थिंक फाइंड का समझ इसलिए ऐसा दिख रहा है, अगर पहले जी कंप्लीट लेंथ में से फाइंड का जो लेंथ है वो अलग कर दे, अप्लाई कीजिए, यहां पे देख रहे आई एन आ गया जी, इसमें एन आ रहा है, एन नहीं आ रहा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें से हम एक काम करते हैं, हम माइनस वन कर देते हैं, आ गया। अब लोग सर यहाँ पे नॉन आ गया, क्यों, क्योंकि दिल्ली आई एन था ना, इस आई एन को इसने ढूंढ लिया है जी जी जी, इसलिए तैसे दिक्कत होगी, उसके लिए कुछ और भी करना, तो फाइंड का फॉर्मूला समझना है ना, फाइंड लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं और करता क्या है, ठीक है। अब जैसे कि अभी यहाँ पे एक है फाइंड, जैसे कि आप यहाँ पे कि फाइंड जैसे आई एन यहाँ आ गया, इस आई एन को कंसीडर कर रहा है जी, जी। तो मुझे इस आयरन को नहीं, मुझे इस आयरन को कंसीडर करवाना है, एक सेकंड ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैं इसको एडिट करता हूँ और इसमें मैं फाइंड कर देता हूँ, फाइंड में हो गया, इसमें एक आपके पास एक कॉमा है, दूसरा पोजीशन मैंने बोला कि दूसरे पोजीशन को फाइंड कर, यहाँ पे नंबर आ गया ना जी, समझ गए, तो ए फाइंड का काम जो है इसी चीज के लिए होता है, ठीक है। लेफ्ट मैंने बता ही दिया, लेफ्ट मैंने बता ही दिया, बता दिया जस्ट लोअर कर देता है ए, ठीक है, लोअर अपर, हाँ जी पता है, ट्रिम आपका ट्रिम करता है, ठीक है, एल ट्रिम, हाँ इसमें ट्रिम है, उसमें एल ट्रिम, ट्रिम एल ट्रिम और आर ट्रिम, ट्रिम नहीं समझते हैं, जैसे ये आपकी जी, हाँ ट्रिम तो किया है, ये स्पेसेस है, हाँ हाँ वो हटा देते हैं, आपको शुरू में हो सकता है, लास्ट में हो सकता है या बीच में हो सकता है, तो ट्रिम लगाओगे हटा आएगा, एल टीम लगाओगे तो स्टार्टिंग का स्पेस फालतू स्पेस हटा देगा, आर टीम लगाओगे फालतू स्पेस हटा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैथ्स, देखिए एक फॉर्मूला टेबल पे वर्क नहीं होगा, ये फॉर्मूला क्या है कि दो नंबर्स में से बताएगा बड़ा नंबर नेम कौन सा है, ठीक है, ठीक है, दो नाम में से बता बड़ा नाम कौन सा है, कौन सा, ठीक है, मीट जैसे लेफ्ट और राइट था जी, जो कि बीच में सेलेक्ट करेगा, समझे,
ठीक है, एक्सेल के जैसा ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, रिप्लेस आपका सब्स्टिट्यूट के जैसा है, ठीक है। तो बाकी फॉर्मूले सिंपल है, आप देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो कल पूछ लीजिएगा, ठीक है सर। जैसे एंड भी था ऐसे, ठीक है सर, ठीक है, स्टार्ट विद, ठीक है, इसको अप्लाई करके एक बार चेक हो गया अप्रूव, ठीक है सर। फिर हम कल आपके साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला के टाइम, जो कि आपका है नेक्स्ट कैटेगरी आपका है डेट एंड टाइम फंक्शंस, ठीक है सर। अभी 8-10 क्लास में फंक्शन ही चलेंगे, फिर हम लॉजिकल करेंगे, फिर एग्रीगेट फंक्शन करेंगे, फिर यूजर फंक्शन करेंगे, टेबल कैलकुलेशन करेंगे, पास थ्रू करेंगे, ठीक है सर, ठीक है। इसमें से कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो अभी यूज ना होगा, बाद में यूज होगा, जैसे कि बाकी जैसे मैक्सिमम मिनिमम बताया था ना आपको, इस तरह से ठीक है, ओके ओके सेम टाइम, ओके बाय।